कैसे देख रहे हैं इस टूअर को कितना क्रिकेट वाइज लगा आपको बेहतर मेरे ख्याल में ऑब्वियसली रिजल्ट uh, जैसे टेस्ट मैचेस में आने चाहिए थे उस तरह जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह नहीं आ सके uh, लेकिन थ्रू आउट जिस तरीके से हमने क्रिकेट खेली और जिस uh, जिस चैलेंजिंग माहौल था ऑब्वियसली सबके लिए uh, जिस उस दौरान जो हमने क्रिकेट खेली आई थिंक के एज ए टीम और एज ए कैप्टन जब टेस्ट साइड को देखें तो आई वाज वेरी हैप्पी द वे प्लेयर्स फॉट थ्रू आउट द सीरीज़ और जो जो भी हमें टाइम मिला प्रिपरेशन का उसको हमने बे, बेस्ट यूटिलाइज़ किया uh, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग इस टाइम पे यही था कि अपने आप को प्रिपेयर करना टेस्ट मैचेस के लिए फिर टी ट्वेंटीज का टी, टी ट्वेंटी प्लेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा टफ uh, था कि थ्रू आउट उनके लिए गेम्स नहीं थे इतने लेकिन uh, um, जो है वो उनके साथ उनका जो टाइम था बड़ी मुश्किल से ऑब्वियसली इन दिस बबल वो बड़ी मुश्किल से पास हो रहा था तो आई थिंक बड़ा टफ चैलेंज था प्लेयर्स के लिए लेकिन आई थिंक सब ने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को प्रिपेयर किया मैच के लिए और बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली आई थिंक के और uh, इन दी एंड हम टी ट्वेंटी लास्ट जीते आई थिंक बड़ी जबरदस्त एफर्ट थी प्लेयर्स की तरफ से और इन दी एंड ऑल इन ऑल बड़ा जबरदस्त टूर रहा और बड़े uh, अच्छे पॉजिटिव हमें इस टूर से मिले हैं यंग प्लेयर्स ने अच्छी परफॉर्म किया रिजवान ने बहुत जबरदस्त अच्छा परफॉर्म किया फिर बाकी जो प्लेयर्स हमारे थे uh, थ्रू आउट परफॉर्म करते रहे तो आई थिंक बहुत जबरदस्त साइन है अच्छा कितना मुश्किल था इस बबल में रहना नहीं बिल्कुल uh, चैलेंजिंग था बाहर नहीं जा सकते ऑब्वियसली और सिर्फ और सिर्फ आपके आ, स, आ, क्रिकेट जो है वो आपके जहनों में रहती है और थोड़ा रिफ्रेशिंग जो हमें एनवायरनमेंट मिलता है आप बाहर जाते हैं आ, थोड़ा सा ऑफ होते हैं क्रिकेट से वो वो नहीं रहा लेकिन आ, फिर भी आई थिंक एज ए टीम एज ए प्लेयर्स वी फील लकी कि हम इस टाइम पे क्रिकेट खेल रहे हैं और यह थ्रू आउट हमें बहुत मज़ा आया जो भी हमारे पास एंटरटेनमेंट की सहूलियात थी हमने उससे भरपूर फ़ायदा उठाया और सबसे अच्छा ये मौका मिला हमें कि हम ज्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो एक दूसरे के साथ गुजार सकें और वो हमने पूरा उसको एंजॉय किया